हेलो, पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज ये जो लिखा हुआ बोर्ड पे क्वेश्चन, उसको शॉर्ट तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं, और जो भी इसमें क्वेश्चन लिखा गया उसमें एक चीज देख लीजिए, समय 11 से गुना करना है, 11 से। जो भी क्वेश्चन है सबको शॉर्ट तरीका से सॉल्व करना है, जल्दी से कैसे इसको गुना किया जाए, और सब में 11 से गुना करना है। और एक और बात, केवल इसमें 11 से ही गुना नहीं होगा, इसमें अगर ये वाला प्रक्रिया आप सीख जाते हैं, ये वाला मेथड अगर आप सीख जाते हैं, तो इसके बाद आपको है ना 11 के बाद देखिए 11 से तो आप गुना कर दीजिएगा। अगर इसका तरीका आप सीख जाते हैं, इसमें देखिए 11 है, सब में 11 है, सब में 11 से गुना करना है, सब में देखिए यहाँ 11 है, 11 सब में 11 से गुना करना है। अगर ये प्रक्रिया आप सीख जाते हैं तो 11 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99, सबसे आप आसानी पूर्वक गुना कर सकते हैं। अगर आप 11 से गुना कर देते हैं, अगर ये सीख जाते हैं, तो 22 से भी आसानी से गुना हो जाएगा, सेम विधि है, 33 से गुना हो जाएगा, 44 से गुना हो जाएगा, 55 से गुना हो जाएगा, है ना, इस सबसे आसानी पूर्वक गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि 11 से गुना हम लोग को कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मतलब SW के लिए है, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। इसका विधि पहले यह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है। सबसे पहले ऊपर आपको कॉपी में एक टॉपिक लिख लेना है, क्या लिखे हैं कि 11 से गुना करने का ट्रिक, है ना, 11 से गुना करने का ट्रिक। चलिए देखिए ट्रिक में क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर इसे मान लीजिए कि यहाँ आपको 54 लिखा गया है, इसको 11 से गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ कितना है, 4 था, सबसे पहले 4 का 4 इधर लिख देना है। अब ये दोनों को यहाँ जुड़ाना है, जो यहाँ आपको दिया गया है ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 वो और 5 वो 9, और लास्ट में बचा कौन है 5, तो 5 का 5 लिख देना है। 11 सबका गुना हो गया है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर आपसे ये कहा जाता है 42 है और इसको 11 से गुना करना है, कैसे कीजिएगा, यहाँ 2 है तो पहले 2 का 2 लिख देना है इधर, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को यहाँ 2 है 4 है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 4 और 2 को यहाँ 6 हो गया, लास्ट में 4 है, तो 4 वाला का यहाँ पर लिख देना है 4। फिर से देखिए, अगर आपको इस तरह से मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 27 दिया गया है, इसको 11 से गुना करना है, लास्ट में 7 है तो 7 का 7 लिख दीजिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ देना है, तो 7 गो यहाँ 2 गो है, तो 7 और 2 9, लास्ट में बचा क्या 2, तो 2 का 2 यहाँ लिख देना है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कभी अगर मान लीजिए कि जोड़ने के बाद कुछ बाकी बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये कहा जाए 47 है, इसको 11 से गुना करना है, तब 11 से गुना कैसे करोगे, चलिए जो तरीका बताया इसको यूज कीजिए, यहाँ 7 है तो 7 का 7 लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बोले थे, तो 7 और 4 को 11, तो 11 का 1 और बाकी 1 बच गया, ध्यान रखना है, यहाँ देखिए क्या है, 7 4 11, 11 का 1 बाकी 1 बचा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ लास्ट में कितना है 4, 4 को इस 1 जो बाकी बचेगा लास्ट में इसको जोड़ देना है, तो 4 1 5, समझ में आया है, इस तरह से आपको इसको गुना करना है। आगे जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, इसको 11 से गुना करना है, कैसे गुना कीजिएगा, लास्ट में 5 है तो 5 का 5 यहाँ आप लिख दीजिए, चलिए ये दोनों को जोड़िए, तो 7 हुआ 5 को, यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो 5 का 5 लिखे हैं। अब ये बोले थे कि ये दोनों को आपको जोड़ना है, ये दोनों को जोड़िए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 का 2 बाकी यहाँ पर जो है बाकी 1 बच गया है, अब 7 ए है, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको 98 दिया गया है, 11 से गुना करने के लिए कहा जाए, कैसे कीजिएगा गुना, तो गुना करने के लिए सेम विधि का प्रयोग करेंगे, लास्ट में 8 है तो इस 8 का 8 यहाँ पर आप लिख दो। अच्छा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 को 8 वो 17, 17 का 7 बाकी 1, क्लियर है, और इन 9 यहाँ पर आए वही, तो 9 1 10, समझ में गया है। चलिए दो अंक वाला हो गया, जरा 3 अंक 4 अंक 5 अंक देख लीजिए, जितना सारा अंक रहता है सब इसी तरह से सोल्व करना है, केवल एक क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगर ये वो बन जाता फिर इसमें बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, इसको 11 से गुना करना है, कैसे गुना कीजिएगा, चलिए इसको गुना करने के लिए सेम विधि का प्रयोग करेंगे जिससे अभी कर रहे थे, कैसे,
यहाँ पांच है तो पांच का लास्ट में पांच ऐसे लिख देना है, क्लियर। अब इसको जोड़ने के लिए बोले थे तो जोड़ेंगे, देखिए इसको इससे जोड़ेंगे, एकदम जो लगातार जोड़ना है इसको यहां नहीं चल जाना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, आगे रहेगा इस तरह से जोड़ते चल जाना है। चलिए देखिए पांच है तो पांच का पांच यहां पर लिख दिया है, इसको अगर जोड़ते हैं तो पांच हुआ तीन को, तो पांच या तीन आठ कुछ बच नहीं रहा है। अच्छा इसको इससे जोड़ दिया, अब इसको इससे जोड़िए तो तीन दो पांच, पांच का पांच लिखे हैं, अब आगे है नहीं तो जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देना ऐसे। फिर से देखिए यहाँ चार है, तीन है, दो है, एक है, चार है, इसको ग्यारह से गुना, ग्यारह से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको गुना करके नीचे लिखते हैं, लास्ट में कितना चार था, चार का चार लास्ट में लिख देंगे, अब इसको इससे जोड़ेंगे तो चार है एक पांच, फिर यहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद इसको इसे जस्ट बगल बड़ा से तो एक गो दो गो यहाँ तीन गो, फिर यहां तक पहुंचे, अब इसको इससे तो तीन दो, तीन दो है तो यहाँ पर पांच हो गया, यहां तक पहुंचे हैं इसको इससे जोड़ते जाइए, चार तीन सात, अब लास्ट में कुछ है नहीं, यहां तक पहुंच गया लास्ट में कुछ नहीं है, जो लास्ट वाला जैसे है उसे लिख देना है, ये क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे एक है, चार है, दो है, पांच है, तीन है, सात है, एक है, और इसको गुना करने के लिए कहा जाए ग्यारह से, कैसे गुना कीजिएगा, तो जब ग्यारह से गुना करने के लिए कहा जाए किस तरह से करेंगे, देख लीजिए इसको नीचे गुना करके लिखे हैं, लास्ट में कितना है वन, तो वन का वन लिखे, इसको इसे जोड़िए तो सात है एक आठ, इसको इसे जोड़ेंगे तो सात तीन दस के जीरो है ना, यहाँ देखिए जब यहाँ जोड़िएगा तो सात तीन दस, दस के जीरो, बाकी एक बच गया, ध्यान रखना है अगर कुछ बचता है तो उसको शेष आपको रखना है। यहाँ फिर से एक का एक लिख दिए हैं, सात है एक आठ लिखे हैं, आगे यहाँ सात तीन दस, दस का जीरो बाकी एक, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब इसको इसे तो पांच तीन आठ, आठ है वो बाकी नौ, यहाँ नौ लिख दिए हैं। अच्छा देखिए फिर यहाँ यहाँ तक पहुंचे, यहाँ के बाद ये है पांच दो सात, इस तरह सात लिख देंगे, अब यहाँ देखिए दो यहाँ है, चार यहाँ है, तो चार गो दो गो छ गो, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब लास्ट में जो बच गया उसको लिख देना है। देखिए जब शेष बचेगा तो इसको जोड़ देना है, ध्यान रखना है आपको शेष बचेगा उसको जोड़ना है। फिर से एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए पांच है, दो है, सात है, और यहाँ चार है, इसको ग्यारह से गुना करना है, कैसे गुना कीजिएगा, देखिए इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले है क्या था, चार है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले चार है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो चार है, चार को चार यहाँ पर पहले लिख दिए हैं, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो सात वो चार वो ग्यारह, ग्यारह का एक बाकी एक बच गया है, अब यहाँ देखिए सात वो दो गो नौ गो, नौ एक वो बचा हुआ है, तो नौ एक दस, दस के जीरो फिर से एक बचा है, चलिए इसको इसे जोड़िए यहां तक पहुंच गए, इसके बाद इसको इसे था पांच दो सात, सात एक आठ, अभी कुछ बाकी नहीं बचा है, यहां तक पहुंच गया, अब लास्ट में कुछ नहीं है केवल ये बचा हुआ, तो पांच का पांच ऐसे लिख देना है, ये क्लियर हो गया है, तो इसी तरह से इसको गुना कर देना है। चलिए एक बात क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर आपसे ये कहा जाता है चार है, छ है, आठ है, दो है, पांच है, गुना करेंगे ग्यारह से, इसको कैसे गुना कीजिएगा, तो देखिए इसको गुना करें, सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए क्या है, पांच है, सबसे पहले जो लास्ट में पांच है तो पांच को पहले पांच यहां लिख देना है, तो लिखिए यहाँ पर पांच का पांच हो गया है। चलिए इसको इसे जोड़िए तो पांच दो सात, कुछ नहीं बच रहा विशेष, इसको यहां तक पहुंचे, इसके बाद इसको इसे आठ दो दस के जीरो, यहाँ एक बच गया है, चलिए यहां तक पहुंच गए हैं, अब इसको इसे तो आठ हुआ छह हुआ चौदह, चौदह एक बचा हुआ पंद्रह, पंद्रह का पांच बाकी एक फिर बच गया है, अब यहां तक पहुंचे, इसके बाद ये है तो छह चार दस एक ग्यारह के एक बचेगा, कितना एक बच जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर लास्ट में है नहीं, तो एक बचा हुआ भी है और यहाँ चार है, तो चार एक जो बचा हुआ है ये दोनों मिलकर हो जाएगा पांच, तो इस तरह से मतलब ग्यारह से गुना करने का एक तरीका हो गया, ये तो हम लोग सीख गए ग्यारह से गुना करने का तरीका। अब जरा देखिए जो शुरू में क्वेश्चन था बोर्ड पर, टोटल क्वेश्चन आप इस नियम से बनाइएगा, ठीक है, इसको रिपीट कीजिएगा और इसको नियम से बनाइएगा, इसको बनाना है। अच्छा इसमें भी एक बात और कह रहे थे कि अगर आपको ग्यारह से गुना आ जाता था सिंपली बाईस से, तैतीस से, चौवालीस से, है ना, पचपन से, छियासठ है, सतहत्तर है, इस तरह से अठासी है, तो निन्यानवे है, इस सबसे आसानी पूर्वक गुना कर सकते हैं। कब? जब ग्यारह से गुना आप सीख जाते हो तब। अगर आप ग्यारह से गुना सीख गए हैं तो इसको रिपीट कीजिएगा, नेक्स्ट जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बाईस है, तैतीस है, चौवालीस है, पचपन है, छियासठ है ना, ये शॉर्ट तरीका है, तो शॉर्ट तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, या अगर ये आपको आ गया तो इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं, एकदम आसानी पूर्वक बन जाएगा। चलिए तो इसको रहने देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
है ना, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर इसको कीजिए, ठीक है।